एक्शन को लेकर आज राजस्थान बंद का आह्वान किया गया है। जयपुर समेत 16 जिलों के स्कूलों में छुट्टी, परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। भरतपुर में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। बंद को कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है। जयपुर के कई व्यापारिक संगठन भी इसके साथ हैं और अजा जजा संयुक्त संघर्ष समिति ने बंद की सफलता के लिए टीमें बनाई हैं और बंद के समर्थन में राजधानी में रामनिवास बाग से बड़ी रैली शुरू होती है। ये रैली चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार, सांगानेरी गेट, एमआई रोड के होते हुए रामनिवास बाग पर आकर खत्म होगी। इसके बाद एससी एसटी आरक्षण को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। राजस्थान बंद को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने एडवाइजरी भी जारी की थी। सभी थाना क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह एडवाइजरी जारी की गई है। पुलिस कमिश्नर ने एडवाइजरी में शांतिपूर्वक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। कानून व्यवस्था और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। यातायात कानून और शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जाब्ता तैनात रहेगा। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ की तुरंत कार्रवाई की जाएगी और राज्य और जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष कानून व्यवस्था संबंधी जानकारी अपडेट करेंगे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता लोकेश ओला लाइव जुड़ चुके हैं, जो भारत बंद को लेकर पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। लोकेश, अभी फिलहाल आप कहां पर मौजूद हैं? रैली कितनी देर में पहुंचने वाली है? क्या कुछ माहौल वहां पर है और किस तरीके का प्रदर्शन अभी देखा जा रहा है प्रदर्शनकारियों द्वारा? देखिए गुनगुन, बात करें तो आज जो SC ST संघर्ष समिति की ओर से जो भारत बंद का आह्वान किया गया, उसका असर राजधानी जयपुर में भी देखने को मिला है। हालांकि जो बात करें तो कई इलाकों के अंदर जो छोटी छोटी टीमें बनाई गई थी संघर्ष समिति की ओर से, उनकी ओर से छोटे छोटे जो बाजार थे उन्हें बंद करवाने का काम किया गया। और अब जो मुख्य रैली जो रामनिवास बाग से शुरू होगी और रामनिवास बाग से शहर की चारदीवारी के अंदर ये रैली निकालते हुए पुनः रामनिवास बाग पे ही समाप्त होगी। अभी मौजूद है हम रामनिवास बाग में, जो अल्बर्ट हॉल के सामने जो SC ST वर्ग के जो लोगों के आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है और संख्या लगातार अब बढ़ती जा रही है। बात करें तो जिस तरह से आंदोलन की जो रूपरेखा को लेकर पूर्व से तैयारी SC ST संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से की गई थी, उसी संघर्ष समिति के बैनर तले जो आंदोलन आज हो रहा है, रैली की तैयारियां पहले से की गई थी और उसी के साथ में जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को सफल बनाने का जो आह्वान किया गया था और कहीं ना कहीं उसी को लेकर आज शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन और साथ ही जो रैली और जुलूस है वो निकाले गए हैं। दरअसल बात करें तो सुबह से ही जो आज बाजार बंद थे और जहाँ जहाँ प्रतिष्ठान खोले गए थे वहाँ उन प्रतिष्ठानों को बंद करने का काम है वो भी किया गया था। अनिल गोठवाल संघर्ष समिति के सदस्य मौजूद है हमारे साथ, बातचीत हम उनसे करेंगे। अनिल जी, आज बात करें तो आरक्षण आंदोलन को लेकर रैली निकाली जा रही, शांतिपूर्वक ये अपनी बात रखने का काम किया जा रहा है, किस तरह से आगे की प्रक्रिया रहेगी? हमारी ये प्रक्रिया है कि हमने एक तो आउट स्कर्ट एरिया को और एक चार दीवारी को दो भागों में बांटा है। तो आउट स्कर्ट एरिया के अंदर जो है व्यापार मंडल और उनसे संपर्क करके बंद करा के और वो सारे एकत्रित यहाँ होंगे और इसके पश्चात में हम यहाँ से न्यू गेट, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया गेट, बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार और सांगानेरी गेट से होते हुए वापस यहाँ आएंगे और एक विसर्जित होने के पश्चात माननीय कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। ये हमारा एक कार्यक्रम रहेगा और इसको हम शांतिपूर्ण और सद्भाव के साथ बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आज अपनी बात रखने का मौका है, आगे की रूपरेखा क्या रहेगी? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश दिए गए हैं उनको लेकर किस तरह से देखते हैं और आगे क्या रहेगा? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको जो भी है माननीय संसद को अधिकार है कि वो इस फैसले के जो भी इसमें कमियां हैं, त्रुटियां हैं, उसको ठीक करने का है। तो हम संसद से और राज्य सरकारों से ये अनुरोध कर रहे हैं कि ये जो एक वर्ग विशेष को दो तरीके से विभाजित करने की वो
सामने आई है, इसको हम चाहते हैं कि सब हम एक रहें, कोई टकराव नहीं हो, कोई वर्ग विभेद नहीं हो और हम शांतिपूर्वक जैसे पहले चल रहा था वो अभी भी चल रहा है। देखिए कई चीजें हैं जो संविधान के दायरे से भी हमारे को ऐसा लगता है कि वो विपरीत की गई है, तो हम उसमें सुधार करने के लिए एक सरकार के सामने एक संदेश देना चाहते हैं कि इसके अंदर जो निर्णय हुए हैं उसको वापस से जनता की आवाज के साथ उसको ठीक करें, दुरुस्त करें। बिल्कुल, नियमों में सुधार की मांग को लेकर ही आज ये आंदोलन किया जा रहा है और इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन रैली जुलूस निकाले जा रहे हैं। भारत बंद का आह्वान किया गया। अब मैं सही के जरिए जो तस्वीरें दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से इस आंदोलन की रूपरेखा को और विस्तृत करने का जो काम है वो SC ST संघर्ष समिति की ओर से किया गया। और मुख्य रूप से बात करें तो इस बार शांतिपूर्वक आंदोलन करने के मांग को लेकर ही और पुलिस प्रशासन की ओर से भी समझाइश की गई और चप्पे चप्पे में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। मेरे सहयोगी के जरिए तस्वीरों भी दिखाना चाहूंगा जहां सुरक्षा और आमजन में किसी तरह का विश्वास नहीं हो और सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरी तरह चाक चौबंद हो, किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो और कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े, इसकी तो तस्वीरें मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा कि किस तरह की जो हालात है वो राजधानी में कंट्रोल करने का जो प्रयास है वो पुलिस प्रशासन की ओर से किया गया है। जो RAF की जो टीमें हैं, जो टुकड़ियां वो तैनात की गई है। इसके अलावा पूरे राजधानी जयपुर के अंदर 3000 अतिरिक्त पुलिस जाब्ता है वो तैनात किया गया ताकि किसी तरह की अशांति नहीं हो। और मुख्य रूप से जो बाजारों के अंदर जो बंद करवाने की जबरदस्ती होती है वो नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखते हुए ही इस आंदोलन को सफल करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, शांतिपूर्वक करवाने का प्रयास किया जा रहा है। जी गुनगुन जी, लोकेश क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं सियासत भी इस चीज से गर्म है क्योंकि जिस तरीके के बयान पक्ष विपक्ष के आ रहे हैं भारत बंद के आह्वान को लेकर, जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि BJP आरक्षण के खिलाफ है और कल जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा ने बयान दिया कि कुछ लोग इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहना है? देखिए बिल्कुल, राजनीतिक जो रोटियां सेकने की जो बात है या फिर राजनीतिक बयानबाजी की जो बात है तो जाहिर सी बात है अगर कहीं वर्ग विशेष के ऊपर या फिर वोट बैंक के ऊपर अगर किसी तरह की बातचीत होती है किसी मुद्दे को लेकर तो राजनीतिक पार्टियां अपने अपने लाभ को लेकर बयान देते हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी की ओर से इस भारत बंद का समर्थन किया गया, आरक्षण समाप्ति के जो खत्म करने, संविधान को खतरा जैसी मुद्दे उठाकर चुनाव लोकसभा चुनाव के अंदर भी कांग्रेस पार्टी मैदान में गई और एक बार फिर से जो आरक्षण का जो मुद्दा आया, सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश आए और इसके बाद में SC ST वर्ग को जो आक्रोश जो देखने को मिला उसका समर्थन कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया। वही किरोड़ी लाल मीणा की ओर से कहा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से के समर्थन में, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो बातें हर तरफ से होती है, चाहे पक्ष विपक्ष की हो या फिर जो जो सामाजिक संगठनों की बात हो, तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एक वर्ग इसका फिर हर वर्ग इस मामले को लेकर अपने अपने जो वोट बैंक को बढ़ाने का प्रयास है वो करता है। दूसरी ओर बात करें तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ही इसको देखा जाए तो जिस तरह से संघर्ष समिति की ओर से भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला देता है उसका सम्मान है, लेकिन अगर अधिकारों के खिलाफ होता है या फिर अगर किसी वर्ग के खिलाफ ये जाता है तो सांसद या फिर संसद का रोल है कि उन नियमों के अंदर भी फेरबदल किया जा सकता है, उन नियमों को बदला भी जा सकता है जिन नियमों को लेकर किसी वर्ग विशेष के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सरकार के अंदर सरकार को हस्तक्षेप करने की मांग यहाँ की जा रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो आरक्षण कोटे के अंदर कोटा निर्धारित करने की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने की कही है उस सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पुनः बदला जाए और सुप्रीम जो संसद के अंदर कानून बनाते हुए पुनः जो आरक्षण के नियम चल रहे थे उन्हीं नियमों को आगे भी संचालित किया जाए। जी फिलहाल लोकेश, अभी फिलहाल कानून व्यवस्था किस तरीके से संचालित की जा रही है और वहां पर क्या कुछ माहौल है, क्योंकि रैली बस कुछ ही देर में पहुंच जाएगी, प्रदर्शनकारी वहां पर कुछ पहुंच चुके हैं और फिलहाल वहां पर प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और
क्या कुछ माहौल वहां पर, इसको लेकर थोड़ी अपडेट दे दीजिए। बिल्कुल गुनगुन, कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था बनाए रखना महत्वपूर्ण है। पुलिस कमिश्नर विजय जोसेफ सोम आज फील्ड में निकले हुए हैं, पूरे परकोटे और राजधानी क्षेत्र के अंदर दौरा कर रहे हैं। 3000 अतिरिक्त पुलिस जाब्ते तैनात किए गए हैं, संवेदनशील जो क्षेत्र है वहाँ अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है, मोबाइल यूनिट तैनात की गई है हर चौराहे पर, हर मार्गों पर, ताकि वो मूवमेंट करती रहे और जहाँ अगर प्रदर्शनकारी अधिक संख्या में इकट्ठे होते हैं उन्हें वहाँ से दूर करने का प्रयास वो किया जा रहा है। मेरे सहयोगी के जरिए मैं तस्वीरें भी यहाँ दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से तमाम जो पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ तैनात किए गए हैं, साथ ही आरएएफ के जो टीमें हैं वो तैनात यहाँ की गई है, पूरी जो सुरक्षा साधनों के साथ में पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है, ताकि किसी हथियारबंद जो जवान है वो यहाँ तैनात किए गए हैं। जो तमाम पुलिस के अधिकारी है वो स्वयं फील्ड में उतरे हुए हैं ताकि अव्यवस्था कहीं नहीं हो, कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं। और जिस तरह से अप्रैल 2018 का जो आंदोलन था उस दौरान भारत बंद का जो आह्वान की ओर से किया गया था और उस दौरान जो तोड़फोड़ हिंसक जो घटनाएँ हुई थी वो घटनाएँ पूर्ण नहीं हो, इसके ऊपर विशेष फोकस है वो इस बार रखा गया है और उसी को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था बेहतर रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, इसको ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। जी ठीक है लोकेश, फिलहाल हम जयपुर की तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से पूरी एडवाइजरी जो जारी की गई थी प्रशासन की ओर से, कानून की जो पालना करने की जो एडवाइजरी जारी की गई थी कमिश्नर की ओर से, उसकी पूरी तरीके से पालना कहीं ना कहीं हो रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए जयपुर से हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जहां पर अभी बस कुछ ही देर में एससी एसटी आरक्षण संघर्ष समिति की जो रैली है वो निकलने वाली है और जयपुर सहित 16 जिलों में पूरी तरीके से बंद का आह्वान किया गया है। आज होने वाली इस रैली को पूरी तरीके से शांतिपूर्वक निकाला जाएगा क्योंकि प्रशासन की पूरी व्यवस्था है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से मेंटेन करके चलाई जा रही है और रामनिवास बाग से ये रैली शुरू होगी और जहां से रैली शुरू होनी है वहां पर आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात है, हर चीज पर नजर रखी जा रही है किसी भी तरीके की कोई घटना ना हो जाए, कोई चूक ना हो जाए, तो इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर है। भारत बंद का आह्वान आज एससी एसटी मोर्चे द्वारा और बंद को कांग्रेस ने दिया अपना समर्थन और देखिए क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं।